दोस्तों, आपने बैंगन की तो काफ़ी सारी डिशेस बनाई होंगी। आज हम ढाबा स्टाइल भरवा बैंगन की रेसिपी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए 8 से 10 छोटे वाले बैंगन। हम सबसे पहले इसका अभी मसाला बना लेते हैं, स्टफिंग का। उसके लिए मैंने 1 कप मूंगफली ली है, उसे हम पहले रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा उसमें ब्राउन कलर आने लगेगा, उसके छिलके छूटने लगेंगे, तो उस स्टेज पे हम उसमें साबुत धनिया डालेंगे 2 चम्मच, उसके बाद जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच और मेथी के दाने छोटा चम्मच 1, उसे भी अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे उसे भी। लगभग ब्राउन होने तक और उसका अरोमा अच्छे से आने तक हम उसे ब्राउन करेंगे और फिर सिंक के साथ मिक्स करके उसे रोस्ट कर लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं, इसे हम मिक्सर जार में निकाल के रखते हैं ठंडा करने को। तब तक हम बैंगन को कट लगा लेते हैं। एक बैंगन को मैं 4 कट लगा के ले रहा हूँ। कट इतना ही लगाना है जिससे हम बैंगन खोल के देख सके और उसमें स्टफिंग भर सके। तो बैंगन हम खोल के इसमें चेक भी कर सकते हैं कि बैंगन अच्छा है या नहीं, ख़राब है, तो ये हम देख सकते हैं। इसे हम अभी पानी में रखेंगे। ऐसे ही एक एक करके हम सारे बैंगन कट कर लेंगे। इसमें स्टफिंग भरने को इजी पड़े इतना ही कट करेंगे। एक एक बैंगन चेक करके हम पानी में रखेंगे। अभी ये मसाले में मसाला जो रेडी करना है उसमें मैं हल्दी, लाल मसाला और आमचूर पाउडर मिक्स कर रहा हूँ। 1 चम्मच नमक, इसे हम ग्राइंड करके एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। अभी हम बैंगन के अंदर इसका स्टफिंग भरेंगे। बैंगन गीला होने की वजह से ये पाउडर उसके अंदर अच्छे से स्टफ हो रहा है। बैंगन को हम पानी में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अगर कट करके आप बाहर रखेंगे तो काले पड़ जाते हैं बैंगन। तो अभी हम इसमें धीरे धीरे करके स्टफ कर लेंगे। ये स्टफ करने के लिए आप देख सकते हैं, मैं आपको ये एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये डिश के ऊपर पकड़ के मैं उसे स्टफ कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो मसाला नीचे गिर रहा है उसे हम वापस रीयूज करके स्टफ कर सकते हैं। यही बैंगन अगर आप पानी के ऊपर रख के भरेंगे तो मसाला अगर पानी में गिरेगा तो आप वो मसाला यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये बैंगन हमारे अभी स्टफ करके रेडी है। हमने एक पैन में ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें ये बैंगन स्टफ़ किए हुए जो है उसे थोड़े से फ्राई कर लेंगे। मतलब आप हाफ कुक बोल सकते हो, उसे हम हाफ कुक जैसा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ी देर बाद हम उसे टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। टर्न करके मैं थोड़ी देर वापस इसे पका रहा हूँ। तो ये लगभग 70% पकने चाहिए बैंगन, बाकी के 30% हम बाद में ग्रेवी के साथ पकाएंगे। अभी हम इसे निकाल लेंगे एक डिश में। अभी सेम पैन में हम कटे हुए प्याज डालेंगे। 1 कप प्याज लिया है मैंने, उसे सॉफ्ट कर लेंगे पहले। उसके बाद कश्मीरी चिली पाउडर 1 चम्मच कलर के लिए, फिर हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। इसे हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, फिर से उसे मसालों के साथ भून लेंगे।
बिल्कुल थोड़ा सा नमक प्याज सॉफ्ट होने के लिए, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी हमारा जो स्टफिंग का मसाला था उसमें हमने ऐड किया हुआ है, और ये जो बचा हुआ मसाला है बैंगन में भरने के बाद वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। उसे भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद आपको जैसे चाहिए उतने हिसाब से आप पानी ले सकते हो। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो कम, और अगर पतली ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और इसे थोड़ी देर पका लेंगे तेल छूटने तक, और उसके बाद हम उसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे स्वाद के लिए। अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो आप इसमें टोमेटो प्यूरे भी ऐड कर सकते हो, ग्रेवी के साथ आप उसे पका ले सकते हो। हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे अभी, थोड़ा सा अगर कड़वापन होगा बैंगन में तो वो महसूस नहीं होता है खाने के टाइम। तो ये अभी हमारी ग्रेवी रेडी है, देखिए तेल छूट रहा है उसे। तो ये स्टेज पर हम अभी जो हाफ कुक्ड बैंगन है फ्राई किए हुए वो ऐड करेंगे एक एक करके, और इसे कवर करके एक 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी चेक करते हैं, बैंगन देखिए आप पके हुए हैं और ये रेडी है सर्व करने के लिए डिश। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।